Yeah.
राम नाम का राम नाम का
जिदा भी उन्होंने इच्छा होगी। लो जी राकेश मनकोटिया जी अपना मन बना लो अज भी लैने फिर गौशाला के दे लो जी हरीश खोसला जी जेडे के साडे प्रधान ने वह भी आए इन्हों का भी सम्मान प्रधान जी करो बहुत सारी माया क्योंकि मैं हर महीने 500 रुपये देते ही रहते क्योंकि मैंबर बनाए थे मैं जो कचहरी नहीं सका और मैं पता नहीं कोई इन्होंने जाता कि नहीं जाता जाओ प्यारे
जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाओ, तो जिसको गले लगा के कर लूंगी मैं बदला के, पूजा करूंगी तेरी, रोके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, रोके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, रोके रहूंगी तेरी। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब मौत तुझसे मिले थे जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले तुझे तुमसे प्यार था, तुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और ये मेरा मोहन तेरा तलबदार था, तेरा तलबदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले तुझे तुमसे प्यार था, तुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। गौ सेवा सब तो उत्तम सेवा है। इधर कई गल्लां याद आ जांदियां कि उन्हां दे विच सब तो पहले संतां ने इस गल लई बड़ी कुरबानी दित्ती है, गऊ नूं राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना जिहड़ा साडी माता है। इहदे 33 कोटी देवी देवतावां दा निवास है और इहदे दर्शन करन दे नाल ही सारे देवतावां दे दर्शन हो जांदे ने। तुसीं बहुत सारियां फोटो भी देखी होणी, बहुत सारे देवतावां दे विच दर्शन हुंदे ने, उह गऊ दा असली रूप है। इस लई गऊ सेवा दे एक बहुत बड़े उत्सव से मैं कालीवाड़ी सिद्ध पीठ का संचालक पंडित सुरेश शर्मा सारे बधाइया देना। गोपअष्टमी के अवसर पर मैं सारे शहर वासियों मुबारकबाद दिना। इस दिन भगवान कृष्ण ने गऊ की पूजा की, असी सारे इत्थे अज गऊशाला दे विच पूजा करन आए हैं, उपर भजन चल रहे हैं। यही अरदास की है चरणा दे विच गुरु महाराज के, राधे कृष्ण महाराज के, गऊ माता की पूजा करके कि जिहड़ी बीमारी करोना साडे देश दे विच फैली है, इहनूं साडा देश पंजाब हुशियारपुर चों मुक्ति मिले इस बीमारी तो, और सारे लोग तंदुरुस्त रहन, यही दुआ की।
अज गोपअष्टमी के पवित्र दिहाड़े ते मैं अपने वालों पूरे शहर वासियों नू बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा हाँ, वधाई दिंदा हाँ। अज दा इह पावन ते पवित्र त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन गऊ माता नू चार के उन्हां दी पूजा कीती सी, और अज दा इह पवित्र दिहाड़ा पवित्र त्यौहार पूरे शहर दे विच सारियां गऊशालां दे विच बहुत धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। भगवान की कृपा के नाल अज श्री गोबिंद गोधाम गऊशाला दे विच ये दिन बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल उल्लास नाल मनाया जा रहा है। लोगों के भारी उत्साह है, गऊ की पूजा हो रही है, और अज के इस दिहाड़े ते मैं एक सारे लोगों नू अपील करनी चाहता हाँ कि साढ़े हिंदू शास्त्रां दे विच गऊ नू माँ का दर्जा दिता गया है। लोग दुध पी के उन्हों सड़कों पर छड़ देंगे ने, और उंगल जो है वह गऊशाला के प्रबंधकों से उठती है कि गऊआं नू सांभदे ने। मेरी सारे अगे ये बेनती है कि तुसी जो जिसने भी गऊ नू छड़ना होवे वो साढ़े को गऊशाला छड़े, असी उहदा पालन करांगे। असी वचनबद्ध हाँ गऊ की सेवा वास्ते, कोई भी बंदा सड़कों पर गऊ नू ना रोले। और इस तो अलावा मैं परमपिता परमात्मा के चरणों के विच एक अरदास करदा कि करोना जी जो अज महामारी फैली है, भगवान इहदे तो भी सारे की रक्षा करन, सब नू स्वास्थ प्रदान करन, और इस तरह ही साडा शहर खुशहाली वल नू वधदा रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।